हेलो कैमर माय नेम जाते वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ इंडियन बैचमेंट रेडी गेम। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो मिथ्स बताने वाला हूं, उसके बाद टॉप 5 में आप लोग बताने जा रहा हूं ग्लिचेस। अभी मजा आएगा ना, लेकिन आज के वीडियो के अंदर आप लोग काफी 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 ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले यार आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो, नए चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे क्यों यार करते हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छा गिल्च नंबर 1। ओके भाई लो, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को आना पड़ेगा गिल्च नंबर 1 की ट्राई करने के लिए। ओके यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पर अपना सेल फोन निकालते हैं और यहाँ पर हम लोग को डायल करना पड़ेगा 200, जिसमें आता है हमारा घोड़ा। ठीक है ओके यहाँ पर मैंने लगा लिया। ओके यहाँ पर आ रहा और नीचे ये तो गिर गया, थोड़ा हम लोग को पीछे होना है। पैसे यहाँ पर मैं लगा तो थोड़ा बहुत पीछे हो तो भाई ज़्यादा ही पीछे हो गया। ओके यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं पीछे हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं हॉर्स का जिनको लगा था और हॉर्स आ चुका और इसको मैं धक्का दे रहा है, जो इसका हेड है वो अंदर होना चाहिए। ओके यहाँ पर आ गया। ओ भाई ये क्या हो गया, मैं अंदर खड़ा हूँ। नहीं 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 भाई ऐसे नहीं हो सकता भाई, क्या है भाई। ओ भाई शुक्र है बच के भाई शुक्र है बच गया भाई घोड़े के और गलत के टक्कर में भाई मैं खुद ही मर जा रहा हूँ भाई इधर से। ओके अब पीछे से इसको धक्का देते हैं, आगे के साइड भी वॉल में चपक जा। ओके यार चिपक चुका है, अब साइड में मुझे थोड़ा बहुत इधर धक्का देना पड़ेगा। अब काफ़ी ज़्यादा मैंने धक्का तो दे ही दिया। ओके भाई यहाँ पर धक्का दिए, अब हम लोगों को फिर से सेल फोन निकालना पड़ेगा एंड यहाँ पर हम लोगों को डायल करना पड़ेगा चीट कोड 9129। जैसे आप लोगों को पता है हेल्थ वाला इसमें चीट कोड लगता है, ये आप लोग अगर नहीं लगाओ तो आप लोग सिंपल से मर जाओगे, ये अगर लगाओगे तो फिर आप लोग अगर चौ पाएगा और जो आप लोग बंदा है वो फिर नीचे गिर लगाएगा, फिर जो हॉर्स होगा उसे आप लोग चला पाओगे लिटरली भाई। और अब ऐसे करते हैं यार इसको मैं नीचे लेकर देता हूँ, मैं आप लोग बताऊंगा जहाँ से आप लोग सीधा नीचे नहीं लेकर जाना है, यहाँ पर आप लोग उसे रैंप से नीचे लेकर जाना है। अगर आप लोग यहाँ से सीधा लेकर जाओगे ना नीचे तो ये नीचे भाई हो जाएगा, अभी ज़मीन के अंदर चला जाएगा, वरना आप लोग का हॉर्स अगर आप लोग यहाँ से भी नीचे आस्ते से नीचे लेकर जाते हो तो फिर आप लोग का हॉर्स जो है वो अच्छे तरीके से नीचे लैंड हो जाएगा। क्या हम इस वाले हॉर्स को नीचे तो लेकर आ चुके हैं इजिली, लेकिन भाई लोग यहाँ पर हम इसे उतर ही नहीं सकते। लेकिन खैर अब अपना अगला वाला गिल्च को ट्राई करते हैं गिल्च नंबर टू। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा लेकिन हाँ फिर से मैं आप लोग यहाँ पर दिखाई देता, आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेन के पास आना पड़ेगा और ट्रेन के सामने आप लोग स्टिकी बम्स लेना पड़ेगा एंड ट्रेन पे यहाँ पर सामने आप लोगों को ठोकना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग दिस में यहाँ पर काफी ज्यादा बम स्टिक बम्स यहाँ पर चिपका दूंगा एंड उसके बाद आप लोग देखना भाई मैजिक काफी ज्यादा तगड़ा मैजिक होने वाला है। गिल्च को मैंने पहले भी ट्राई किया था लेकिन हमारा गिल्च नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पर इस बारे में आप लोगों को बता लो आप लोगों को मून ग्रेविटी लाजमी से लगा देना पड़ेगा। ओके जिसका चिट कोड है 7112। ओके यहाँ पर मैंने मून ग्रेविटी एक्टिवेट कर लिया है, अब ऐसे करते भी इसको फोड़ते हैं अभी फटाफट से और एक बार मैं यहाँ पर आरपीजी से लगाता हूँ उसको गोली। ओ भाई यहाँ पर नहीं फटा और दूसरे बार लगाता हूँ तो फिर फट ही जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो भाई जैसे भाई होड़ रहा है भाई हवा में और भाई ये उड़ क्यों नहीं रहे। ओके ओके भाई नीचे यार और ये देखो भाई ये तो भाई जो इंडियन बैच का सबसे खतरनाक गलत है वो ये है भाई और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो भाई क्या हुआ भाई और भाई यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो और मैजिक आप लोग अभी मैजिक देखो और पीछे आप लोग ट्रेन के डब्बे देखते हो भाई लिटरली वो तो उड़ रहे हैं भाई और यहाँ पर आओ और भाई और यहाँ पर आप लोग देख सकते क्या तगड़ा मैजिक हो चुका है। ओ भाई साहब और किधर जा रहे हैं भाई, तो ये तो जुरासिक पार्क में इसके डब्बे जाके छुप चुके हैं भाई। और क्या जो ये वाला गिल्च है वो भी इंडियन बाइक से सबसे ज्यादा और सबसे मजेदार गिल्च है। अच्छा और ये वाले ग्लिच के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों का दिल चाहता है तो। गिल्च नंबर 3। और जो हमारा गिल्च नंबर 3 होने वो भी काफी ज्यादा तगड़ा और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसके लिए हम लोगों को एरोप्लेन मंगाना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर गोस्ट राइडर बाइक को मंगाना पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत कूदी वगैरह खाता है, अगर ये सही होगा तो फिर आप लोग मैजिक यहाँ पर सामने चिपक चुका है शायद यहाँ पर हमारा गिल्च हो जाए। ओके अब यहाँ पर दोनों बटन मुझे साइड में शो होने चाहिए। ओके साइड में दोनों बटन मुझे शो हो चुके हैं और दोनों में बैठता हूँ फिर आप लोग देख रहे हैं जो हमारा करंट है वो कितना यार फनी तरीके से मेरा गोस्ट राइडर बाइक में बैठा है भाई। ये तो अलग अलग एंगल भी चेंज करता है, अभी फिलहाल तो मेरे बाइक में भी टांके के ऊपर बैठ चुका है भाई, जैसे हम लोग बच्चों को बैठा देते हैं, हम लोग बच्चों को दुकान वगैरह लेकर जाए तो हम लोग ऐसे ही बिठा के लेकर जाते हैं जैसे हमारा आज सीधा कर बैठा हो और सामने मुझे एक रैंप दिख रहा है, इस रैंप से जाके कूदी मारते भाई देखते हैं हमारी बंदा भाई गिर पाता है या नहीं गिर पाता। और भाई साहब यहाँ पर आ रहे हो, भाई साहब यहाँ पर मैंने भाई लगा लिया जंप और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो ये वाला ग्लिच भी हो वो भी यार काफी ज्यादा अमेजिंग। अब नेक्स्ट वाले ग्लिच को ट्राई करते हैं गिल्च नंबर 4। और कैसे मैं आप लोग बता रहा अभी भी आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, आप लोगों के लिए लास्ट में मैं एक दो मिथ भी लेकर आता हूँ वो भी मैं लास्ट में मिथ को ट्राई करने वाला हूँ, दो वाले मिथ भी हमारे पास है एंड यार नंबर 4 के वाले ग्लिच को ट्राई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमको टैंक स्पॉन करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग स्टिक बम है उसको हाथ में लेना पड़ेगा एंड उसको हम लोग को मारते मारते आगे चलना पड़ेगा। ओके यहाँ पर मारते मारते आगे चलता हूँ और यहाँ पर मैं टेन के अंदर से घुस चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो भाई कितना मैं आसमान की ऊंचाइयों में भी खेल रहा हूँ भाई, आप लोग देख ही सकते हो। गिल्च नंबर 5। ओके भाई गिल्च नंबर भी काफी ज्यादा तगड़ा है और काफी ज्यादा मस्त है और काफी ज्यादा ही अमेजिंग है।
उसके लिए सबसे पहले हम फिर से टैंक मंगवाना पड़ेगा। यहाँ पर टैंक को मैंने मंगवा एंड उसके साइड में हम लोगों को यहाँ पर मंगवाना पड़ेगा हॉर्स को, ठीक है पब्लिक। यहाँ पर मैंने हॉर्स को मंगवा लिया। अब हमको ऐसे करना पड़ेगा, इसको दोनों को साइड में बैठना पड़ेगा और यहाँ पर भी बटन शो नहीं हो रहा है और शायद यार उस साइड मुझे बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करते भी इसको धक्का दे के और उसको इस साइड लेकर आते हैं। और भाई क्या हो गया भाई, एक तो ये मुझे यार नहीं अच्छा लगता इंटर बक्स, अगर कोई मुक्का वगैरह हाथ लग जाए तो भाई वो उधर ही फंस ही जाता है। ओके यहाँ पर दोनों बटन मुझे शो हो रहे हैं, दोनों बटन में प्रेस किया फिर से उतरा और अब आप लोग मुझे देखना और ये यहाँ पर फिर से एक बार मैं चढ़ता हूँ। ओके और आप लोग ये देखना भाई यहाँ पर मैजिक हो चुका है और यहाँ पर मैं जैसे दूर जाऊँगा ना ये देखो हॉर्स मुझे खुद खींच लाएगा। देखना आप लोग यार फिर से यहाँ पर एक बार मैं बैठता हूँ, शायद नहीं हुआ। ओके ओके यहाँ पर गलत हो चुका है। अब यहाँ पर देखो भाई मैं इधर मूव हो रहा हूँ लेकर भाई नहीं हॉर्स यार मुझे यहाँ पर मैग्नेट की तरह भी खींचे जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इधर जा साइड कोशिश कर रहा हूँ लेकर नहीं भाई हॉर्स मुझे छोड़ ही नहीं रहा भाई लिटरली। ये तो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर मैं पीछे के साथ मूव करूँ फिर भी यार मैं ज़्यादा मूव नहीं हो पा रहा हूँ भाई, ये है भाई खतरनाक गलत जैसे। और यहाँ पर फिर से देखो मैं फिर से चिपक चुका हूँ। चलो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को टॉप 5 गिल्चेस बता लिया, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टॉप 2 मिथ्स। मिथ नंबर 1, एक भाई ने कमेंट किया था अगर हम लोग अपनी गेम को क्लियर डेटा करके एंड फिर से इंस्टॉल करके फिर से हम लोग अगर उसमें लोड लिखेंगे आरजे स्टोर में जाके तो फिर आप लोग देखना किसी हम किसी जगह पे जाके इम्पोर्ट हो जाएंगे। ओके यहाँ पर मैं लोड लिखता हूँ फटाफट से और देखते हैं भाई कहाँ पर जाके हम रुकते हैं। ओके पहले यहाँ पर मैं फटाफट से टाइप करता हूँ LOAD लोड, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पर यस टाइप किया तो ओ भाई अब यहाँ पर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर किसी भी जगह भी अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो भाई कहाँ पर और मैं जगह पे इम्पोर्ट हो चुका हूँ भाई लोग। हम लोग ऐसे करते भाई जाके हम लोग मेगा रैम के ऊपर जाके लोड लगते हैं फिर देखते भाई हम लोग कहाँ पर जाके इम्पोर्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सेम जगह पे इम्पोर्ट हो जाते हैं वरना तो यहाँ पर कोई और जगह इम्पोर्ट हो जाती है। ओके भाई उसको 4 पे नीचे हम लोग जा पाते हैं। ओके यहाँ पर हमने फिर से लोड लगा और फिर से यार हम लोग यहाँ पर टायर के पटरियों के पास आके भाई फिर से हम लोग नीचे जा चुके हैं और ये भाई मेथ काफी ज्यादा अमेजिंग है। और जो ये वाला मेथ होता है वो हमारे यार होता है कन्फर्म मेथ। अगर हम लोग 555 डाल करके घोस्ट राइडर बाइक को मंगा लेते हैं और उसके साइड में हम लोग 0 डाल करके एक फ्यूल टैंक को मंगा लेंगे, फ्यूल टैंक जैसे हम लोग फोड़ेंगे तो फिर जो हमारा घोस्ट राइडर बाइक होगा वो दूर फ्यूल टैंक को मंगा लेते हैं जो कि हमारा आ ही चुका है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो अब यहाँ पर मैंने पिस्टल निकाला, अब यार इसको मैं फटाफट से फोड़ता हूँ देखता हूँ जो हमारा घोस्ट राइडर बाइक है वो दूर जाता है या नहीं जाता। ओके यहाँ पर मैं इसको फोड़ना शुरू करता हूँ। ओके मैंने इसको एक पर गोली मारा, दो गोली मारा, भाई ये तो टैंक फट ही नहीं रहे हैं भाई, क्या हो गया भाई। ओके मैम इसको धड़ाधड़ गोलियां मार चलो। ओके एक फट चुके हैं भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फट चुके हैं। और भाई साहब यार क्या यहाँ पर धमाका कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गोल्ड शर्ट बाइक है उसको भी कुछ भी नहीं हो रहा भाई लिटरली। यार शायद मेरे ख्याल से यार मेवा या मेथ होता है यार हमारा बस्टेड। हाँ बाकी गाइस आज के लिए इतने, अगर आप लोग वीडियो पसंद आया पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, चैनल पे नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, चलो फिर शाटो।